Hey guys, this is a quick video of how you can set the RPM light on your Gixxer SF or SF250. सबसे पहला स्टेप होता है कि हमें इग्निशन ऑन करना है, ठीक है। इसके बाद जो किल स्विच होता है उसको हमें ऑन करना है सर, ठीक है। एंड देन उसके बाद हमें सिलेक्ट बटन को होल्ड करके रखना है, ठीक है। जब ये ट्रिप मीटर हट जाएगा उसके बाद आपके पास तीन ऑप्शन आएंगे चूज़ करने के लिए। तो एडजस्ट से आप तीन ऑप्शंस जो है चूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ के कोई आरपीएम लाइट नहीं जलेगी, सेकंड इज़ जो ये फ्लैश है वो नॉर्मल जस्ट एक बार ही ब्लिंक होगी, एंड द थर्ड वन इज़ ब्लिंकिंग। तो अभी मैं इस ब्लिंकिंग को सेट करना चाह रहा हूँ, तो मुझे सिलेक्ट बटन एक बार प्रेस करना है। देन उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगी कि कितने आरपीएम पे हमारे पास वो जो ये ब्लिंकिंग है वो हमारे पास आए। तो एडजस्ट से मैं आरपीएम एडजस्ट कर सकता हूँ, राइट। द मैक्सिमम इज़ 9500 आरपीएम एंड द लीस्ट इज़ 4000 आरपीएम। सो मैं इसको 7500 आरपीएम पे सेट करूँगा एंड देन मुझे सिलेक्ट बटन दोबारा प्रेस करना है। एंड नाउ यहाँ पे एक सिंबल आ जाएगा। अगर ये सिंबल ऑन है तो इसका मतलब जो ब्लिंकिंग लाइट है वो आरपीएम लाइट है वो ऑन है, राइट। सो अब की आरपीएम लाइट ऑन हो चुकी है एंड दैट्स इट। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू लाइक डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और इफ यू फाउंड दिस इंफॉर्मेशन हेल्पफुल जस्ट लाइक दिस वीडियो। थैंक यू, बाय।